तो चावल ही बना लो ना। हाँ गाइस देखो इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको ना 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। पहले आप हेलो गाइस गुड इवनिंग, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम बहुत स्पेशल चीज बनाने वाले हैं, यूपी का बहुत ही फेमस चीज। आप सोचते होंगे ऐसा क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे निमोना। निमोना क्या होता है आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये यूपी में ही बनता है। तो हमने बस बचपन में जब होती थी मम्मी बना के निमोना खिलाती थी, निमोना चावल निमोना रोटी। तो आज हम वही रिपीट करने वाले हैं और हमारे साथ देंगी भाभी हमारी, वही बनाएंगे निमोना कैसे बनता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि तैयारी क्या क्या हुआ है। गाइस जो निमोना बनता है ना वो मटर है, मटर को ग्रेट करते हैं मिक्सी में पीसते हैं उसी से बनता है। क्या क्या डालेंगे मसाला वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो ये मटर तैयार हो गया है, ठीक है, और आलू भी डलेगा उसमें, उसके बाद गरम मसाला दिखाएंगे। भाभी फिलहाल भी बाहर गई है, आते हैं। तो गाइस देखिए हमारा जो मटर है ग्रेट हो गया है, अब यहाँ पे तेल रख दिया है इसमें। ये क्या करोगे, इसको भी फ्राई करेंगे आलू को। तो गाइस आलू को भुनेंगे उसके बाद फिर अगला बताएंगे आपको। गाइस जी देखिए आलू को डाल दिया है तेल में फ्राई करने के लिए। वो सारा डालोगे ना, अच्छा पूरी तरह ब्राउन कर दोगे कि हल्का से निकाल दोगे? पहले फ्राई करके निकालूंगी उसके बाद बनाऊंगी। भाई ये देखिए अदरक है और लहसुन है, इसको हम पेस्ट बनाते हैं। और ये भुना जा रहा है अभी, आलू आधा भुन गया है, थोड़ा सा वो लाल कर देंगे पूरी तरह से, जब ये ब्राउन लाल हो जाए दिखने लग जाएगा ना तब इसको हटा देंगे। तो गाइस देखिए पेस्ट हो गया हमारा रेडी, अब अगला कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए आलू फ्राई करके निकाल दिया हमने। गाइस ये निमोना है ना, ये ज्यादातर का सीजन मतलब ठंडी में बनती है, गर्मी से कोई नहीं बनाता है क्योंकि ठंडी में मटर का सीजन होता है। लेकिन गाइस खाने में बहुत अच्छा लगता है ये मैं जानता हूँ, हरी सब्जी की मतलब तरह होती है। इसमें गर्म मसाला थोड़ा डाल दो, प्याज वगैरह जो भी डालता है अच्छी डाल दोगे तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। गाइस देखिए प्याज भी कट गया है और ये बड़ी डाल दिया है, बड़ी जानते होंगे ना आप लोग जो उड़द की दाल की बनती है वही, ये बड़ी और ये तेज पत्ता डाल दिया है। तो गाइस ये देखिए बड़ी और प्याज को फ्राई कर रहे हैं। गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखना, सीख भी जाओगे बनाना, ठीक है। ये जो शहर से हमको पता नहीं होता निमोना, चलो गांव साइड वाले जानते हैं लेकिन शहर वाले नहीं जानते निमोना क्या होता है। तो गाइस देखिए ये फ्राई हो गया है, अब ये जो पिसा हुआ मटर है इसको फ्राई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए इसको अच्छी तरह से भून दूंगा, अभी स्टार्ट किया हुआ भूनना, फिर इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, ठीक है। मानी मोना बन रहा है, ये देखिए पूरा हरा हरा लग रहा है गाइस ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरी हरी हरी लग रही है। ठंडी में हरी सब्जी खाने में अच्छा लगता है क्योंकि सीजन होती है ठंडी में, गर्मी में तो फिर वही है हरी सब्जी मिलती नहीं फटने लग जाता है, ठंडी में सबसे अच्छा हो रहा है हरी सब्जी खाने का। गाइस अब इसमें आलू भी डाल दिया है, अब इसको भी फ्राई करेंगे, उसके बाद ये पेस्ट डालेंगे जो हमने अदरक का लहसुन का पेस्ट बनाया था इसको डालेंगे, इसको भी अच्छे से भूनेंगे, फिर उसके बाद मसाले डालेंगे। गाइस देखिए मसाला डाल रहे हैं, कौन सा मसाला है ये? मिक्स मसाला, सारा मसाला मिक्स है, हल्दी नहीं डालना क्या? अच्छा सारा मिक्स है, मसाला तो नहीं डालना, और भी डालना है? नहीं गाइस मसाला ज्यादा नहीं है, लाइट मसाला है क्योंकि ज्यादा स्पाइसी नहीं करना है इसको, ठीक है। गाइस देखो इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको ना 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। पहले आप टमाटर इसमें डाल दूँ क्योंकि टमाटर भी पक जाएगा नहीं कच्चा रह जाएगा, बस यही है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक भून देंगे, बहुत आराम से हमारा बन जाएगा, फिर उसके बाद रोटी की तैयारी करेंगे। देखने में गाइस को कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना देखने में अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा खाने भी लगेगा। ये मुझे पता है कि अच्छा ही बनेगा क्योंकि देखो ये बनाने मुझे कुछ नहीं आता है, ये सारा क्रेडिट भाभी का है, वो बता रही है मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा अभी सीख जाऊँ कुछ, कभी लाइफ में काम आ जाएगा, जैसे वहाँ पर मैं खिला रहा था मुझे कुछ बनाने नहीं आता, चंडीगढ़ में खिला रहा था कुछ बनाने नहीं आता, तो सीख जाऊँगा तो कभी भी मन करेगा नहीं होना, सीजनेबल चीज है तो बना लेंगे कभी खाने का मन करेगा। आप लोग भी देख लेना कभी मन करेगा तो बना लेना। इसके साथ देखो चावल मजा आएगा, तो चावल ही बना लो ना। हाँ रोटी वैसे मैं डेली खाते हैं, चावल ही बना लो फिर, साथ चावल का टेस्ट अलग रहता है, वही बना लेंगे। वैसे आधा पक गया है ना अभी, 10 मिनट खुशबू आने लग गई यार, क्या खुशबू आ रही है, यही खुशबू तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे खाने का। गाइस देखिए आप लोग भी आधा पक गया है, अभी ना मैंने एक साइड चावल कर दिया है, एक साइड निमोना पकड़ा है, ये देखिए चावल डाल दिया है इसमें, अभी निमोना पकड़ा है, अभी ड्राई है, अभी थोड़ा सा पानी डाल के ना लिक्विड करेंगे इसको, ठीक है करी वाला करेंगे। गाइस ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, कई मैंने आपसे बताया था ना करी वाला करेंगे, अब इसको अच्छे से पकाएंगे। कितने मिनट पकाना है अभी इसको? बस 10-15 मिनट, 10-15 मिनट को पका देंगे गाइस, फिर उसके बाद चावल, तो देखो चावल पक रहा है, फिर उसके बाद खाएंगे, अभी भाई हुए सब लोग आ जाएंगे तब खाएंगे साथ में बैठ के। गाइस देखिए मेरा चावल तो बन गया है, अब इसकी बारी है, देखो इसका क्या सिस्टम है। देखिए गाइस ये खोल रहा है, इसको थोड़ा और भी पकाना अच्छी तरह से, प्रॉपर पका नहीं है ना। गाइस अब देखिए फाइनली मेरा प्रॉपर तरीके से बन गया है, कलर देखो कितना अच्छा आया है,
तो टाइम हो रहा है 9:20, मैं खाने जा रहा हूँ क्योंकि गाइस ना पूरा दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, बस ये भटूरे कुलचे खा के काम चलाया था, क्योंकि भाभी 12:30 बजे आई थी, घर का पूरा सफाई किया था, तो उसी में सारा टाइम खत्म हो गया था, बनाने का टाइम नहीं था, फिर आए रेस्ट किया, सो गए थे, सो गए उठे, तो मैं सोचा कि अब खाऊं, भाई आएंगे 10:30 बजे, फिर 11 बजे तक खाएंगे, मुझे लगी भूख, मैं खा लेता हूँ अकेला, फिर भाई लोग खाएंगे जब आएंगे तो। गाइस देखिए हम लोग खाने जा रहे हैं, जो हमारे बड़े वाले भाई साहब है वो आएंगे 10:30 बजे, तो हम ये बीच वाले भाई हम दोनों खा रहे हैं। तो गाइस मैं खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है। अरे वाह, कसम से कह रहा हूँ बहुत बढ़िया टेस्ट है ये, मतलब मैं बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, जब गाँव में था 10 साल पहले गाँव में था तब खाता था, अब खा रहा कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? बढ़िया है ना गाइस, देखिए बड़ी भी है, सानवी खिला लो, मुँह को खिला लो, सबको खिला दो, ठीक है गाइस? मेरा अच्छे से डिनर हो गया है। अगर गाइस जब भी आप लोग को निमोना बनाना होगा तो मैंने ब्लॉग बनाया है, उसमें देख लेना, इसी तरह के बनाना है, बहुत सही बनेगा, जैसे मैंने वीडियो बनाया उसी तरह, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना, बहुत बढ़िया बन गया। और वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल नए हो सब्सक्राइब कर देना।